Hello dear students, welcome to my maths video class for 28 July. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, keep yourself protected, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, stay safe and stay healthy children. This is our maths class and we have started with chapter number 7, which is working with numbers till 50. Okay, in this chapter we are doing almost the same exercises. जो exercises हमने पहले ही कर ली हैं, हम वही exercises कर रहे हैं. The only difference is कि अभी हम 21 से लेकर के 50 तक के जो numbers हैं, उनके साथ ही exercises कर रहे हैं. Okay, so in this lesson we have done till now. क्या क्या भी हमने कर लिया. Mainly हमने इसमें क्या किया है, writing any number in expanded form और writing the expanded form of any number. ठीक है, जैसे कोई number, किसी number को हम expanded form में लिखते, that is in terms of its place, ones and tens में. तो number को हमने expanded form में लिखा. तो if the expanded form is given, we can write the number also, क्योंकि हमें पता है कि इसमें कितने ones हैं, कितने tens हैं, तो हम उस number को भी लिख सकते हैं. Okay? इसके बाद फिर हमने इसमें क्या किया, mainly we have done number before, number after and number between. Numbers and number names तो किया ही है, then we have done number before, number after and number between. Now children, today we will start with a new topic, that is greater than and less than. Okay, so turn to page number 75 in your maths book. 75 or new edition, it may be 76. Like I have the older edition, so in my book it is page number 75. Mere paas purana edition ki book hai, uska 75 page number hoga. Those who have got book of new edition, unka page number hoga 76. Okay, so we will be doing today GREATER, greater than and less than. ठीक है, greater than and less than. Greater than and less than, I'm sure you all know the meaning. Greater than किसे कहते हैं और less than किसे कहते हैं. I'm sure ये meaning सबको पता होगी. Greater than मतलब किसी चीज से ज्यादा, है ना. ग्रेटर देन मतलब किसी चीज से ज्यादा, और लेस देन क्या है, किसी चीज से कम. ठीक है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटर एंड लेसर. ग्रेटर वी यूज द टर्म ग्रेटर. ठीक है, जैसे ग्रेट है, ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट है. तो ग्रेटर टर्म हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी दो चीज का कंपैरिजन करते हैं. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स. ठीक है, माई हाउस इज ग्रेटर देन माई फ्रेंड्स हाउस. मेरा घर मेरे फ्रेंड के घर से बड़ा है. ऑफकोर्स ग्रेटर यहाँ पे नहीं यूज होगा, वी यूज बिगर. बट ग्रेटर जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, इन दैट केस वी यूज ग्रेटर. ठीक है ना, तब हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन. ग्रेट, ग्रेट मतलब बड़ा है, ग्रेटर मतलब उससे, जब दो में कंपेरिजन है, एंड ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा. तो हियर वी आर गोइंग टू कंपेयर द नंबर्स. ठीक है, विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज लेस. लेस मतलब छोटा. कोई नंबर अगर, इफ यू आर कंपेयरिंग टू नंबर्स, सो इफ वन नंबर इज ग्रेटर, ऑब्वियसली द सेकंड नंबर वुड बी लेस देन. एक नंबर अगर कम है तो दूसरा नंबर डेफिनेटली ग्रेटर होगा. एक नंबर ग्रेटर है तो दूसरा नंबर कम होगा, है ना. सो ग्रेटर देन एंड लेस देन. नाउ चिल्ड्रन लुक इन टू योर बुक्स, पेज नंबर इज 75. पहले ग्रेटर देन लेस देन का कॉन्सेप्ट बता दूं, देन आई विल टेल यू द सिंबल्स. सिंबल विच इज यूज फॉर ग्रेटर देन और लेस देन. मोस्ट ऑफ यू, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद द सिंबल्स. आपसे अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मेरे ख्याल से मालूम होगा कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या है एंड लेस देन का सिंबल क्या है. ठीक है, वो जरूर सबको पता होगा. बट पहले मैं ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट बता दूं, उसके बाद फिर मैं इसके सिंबल बताऊंगी. ओके,
Now, when we count the numbers, जब हम numbers को count करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो obvious ही बात है कि जो numbers counting में पहले आएंगे वो किसी एक, जैसे 5 से पहले जितने number आ रहे हैं all those numbers are less than 5, और 5 के बाद जितने number आ रहे हैं वो सारे number क्या होंगे, 5 से greater होंगे, है ना। कल जैसे हमने पढ़ा नंबर बिफोर, नंबर आफ्टर, नंबर बिटवीन। सपोज नंबर बिटवीन 25 इज बिटवीन 24 एंड 26, 24, 25, 26, ठीक है। तो इफ वी कंपेयर, अगर 24 एंड 25 को कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि 24 इज लेस देन 25, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, 24 इज, इफ यू कंपेयर 24, 25 एंड 26, अगर हम पहले 24 एंड 25 को कंपेयर करते तो 24 काउंटिंग में पहले आ रहा है, 24 जो है 24, 25, 26, सो 24 जो है वो काउंटिंग में पहले आ रहा है, तो 24 इज लेस देन 25 एंड 26, ठीक है। 24 जो है वो 25 और 26 से लेस है, बिकॉज वो काउंटिंग में पहले आ रहा है, ओके। इफ वी कंपेयर 25 एंड 26 तो हम क्या बोलेंगे कि 25 इज लेस देन 26, बिकॉज 25 जो है वो काउंटिंग में 26 से पहले आ रहा है, एंड 26 इज ग्रेटर देन 24 एंड 25 बोथ। 26 जो है वो 24 और 25 दोनों से बड़ा है, ठीक है ना, दोनों से बड़ा है, क्योंकि 26 जो है वो काउंटिंग में 24 एंड 25 से बाद में आ रहा है। तो काउंटिंग में किसी भी पर्टिकुलर नंबर से पहले जो नंबर आता है दैट नंबर इज स्मॉलर, और उसके बाद जो नंबर आता है दैट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर नंबर है, जैसे मैंने 5 का एग्जाम्पल बताया कि काउंटिंग में 5 से पहले के जो नंबर्स हैं दे आर ऑल स्मॉलर देन 5, एंड 5 के बाद के जितने नंबर हैं वो सारे क्या है, ग्रेटर देन 5, ओके। सो सी, लुक इनटू योर बुक्स, पेज नंबर 75, वी आर कंपेयरिंग 6 एंड 2, ठीक है। 6 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन नंबर पे, जैसे नंबर 9 अगर आप बोलो या काउंटिंग में बोलो, विच नंबर विल कम बिफोर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जब हम काउंटिंग नंबर्स करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में वी आर कंपेयरिंग 2 एंड 6। नाउ विच नंबर इज कमिंग बिफोर, काउंटिंग में कौन सा नंबर पहले आ रहा है, द नंबर 2, जो नंबर 2 है वो पहले आ रहा है, एंड नंबर 6 बाद में आ रहा है। तो विच नंबर वुड यू से इज स्मॉलर, आप कौन सा नंबर बोलोगे छोटा है, ऑब्वियसली नंबर 2, बिकॉज इट इज कमिंग बिफोर, फाइन। 6 बाद में आ रहा है तो 6 क्या है, 6 ग्रेटर है, एंड 2 पहले आ रहा है तो 2 जो है स्मॉलर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इफ वी कंपेयर 2 एंड 6, ठीक है, ग्रेटर देन एंड लेस देन, दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग 2 नंबर्स। सो इफ वी कंपेयर 2 एंड 6, अगर 2 एंड 6 को कंपेयर करते हैं तो 2 इज लेस देन 6, और वी राइट 6 इज GREATER, ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 6 और 6 इज ग्रेटर देन 2, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीजें हुई ना, कि 2, या तो हम बोले कि 2 6 से छोटा है या हम बोले कि 6 2 से बड़ा है, ओके। सो बोथ आर सेम। नाउ सिंपल जो इसका होता है, आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद द सिंबल्स, आप सिंबल से फेमिलियर हो, दीज आर द सिंबल्स, ठीक है। अभी इसमें से बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि विच इज
which symbol is used for greater than and which symbol is used for smaller than. Okay, so इसमें क्या है कि जो open mouth होता है, this is like inverted V. V हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, this is V. और अगर V को अगर आप ऐसे लिखा दो, ऐसे करके लिखा दिया, इधर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो जो ओपन माउथ होता है लाइक दिस, ऐसे है ना ये, तो जो ओपन माउथ होता है, ठीक है, ऐसे देख लो या ऐसे देख लो, ये V है, ये V है. अगर इसको या तो ऐसे एक सिंबल हो सकता है और इट कैन बी लाइक दिस. तो जो ओपन माउथ होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बिगर नंबर. क्यों बिगर नंबर की तरफ है? क्योंकि जब आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये बनाया तो यहां पे बीच से टू एंड यहां पे बीच से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है. जो ओपन माउथ होगा दैट इज वाइडर. ऐसे जब आप देखोगे तो ये साइड वाइडर है ना, ये ओपन माउथ जो है ये वाइडर है, मतलब यहां पे आप ज्यादा चीजों को रख सकते हो, ज्यादा नंबर रख सकते हो. सो दिस ओपन माउथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर. इसमें भी आप देखोगे कि यहां पे इफ यू से सिक्स इज ग्रेटर देन टू, अगर ये बोलते हैं सिक्स एंड टू को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वी कैन से सिक्स इज जी आर ई ए टी ई आर ग्रेटर देन टू. हाउ डू वी राइट दिस? सिक्स ग्रेटर देन टू. जैसे मैंने बोला कि दिस ओपन माउथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर. ये जो ओपन माउथ होता है ये हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ होता है. ओके, तो सिक्स इज ग्रेटर देन टू. अभी इधर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टू है. टू कहाँ है? दिस इज टू एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दिस इज सिक्स. ओके, सो सिक्स इज ग्रेटर देन टू. एंड इफ यू से टू इज स्मॉलर देन सिक्स, अगर हमें ये बोलना है कि टू इज स्मॉलर देन सिक्स, अगर हमको ये बोलना है तो हम कैसे लिखेंगे? टू एंड सिक्स. और सिंपल फॉर्म से यूज होगा, ओपन माउथ है दैट विल ऑलवेज बी टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर. और अगर आप ऐसे बनाओगे देखो, ये टू है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, दिस इज टू दिस इज सिक्स. ओके, सो रिमेंबर व्हेन वी यूज सिंबल, जो ओपन माउथ होगा वो हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ होगा. क्योंकि आप अगर जस्ट ये ड्रॉइंग बना के देखो कि इधर ग्रेटर नंबर आप बना सकते हो या इधर बना सकते हो, सो दिस ओपन माउथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर. Okay, so this was an example. 6 is greater than 2. 6 and 2 को हमने compare किया. Now let us compare two more numbers. इसको explain करने के लिए, ठीक है, two और numbers को हम compare करते हैं. 3 and 5. Let us compare 3 and 5. Okay. Let us take one more example. If we have to compare 3 and 5. Okay? 3 and 5 say if you have to compare 13 and 17. 3 and 5 leke main 13 and 17 le rahi hu. Okay? 13 and 17. 3 and 5 is in your book. Okay, chalo. 3 and 5 leke. No problem. 3 and 5. Okay? Now 3 and 5 ko hame compare karna hai. So if we say 3 is less than 5, 3 obviously counting में पहले आ रहा है, तो 3 less होगा 5 से. So if we say 3 is less than 5, meaning दोनों की सेम है, whether we say 3 is less than 5 or 5 is greater than 3. See, 3 is less than 5, so how do we write this using symbol 3 is less than 5? जब आप ये बनाओगे तो आप देखोगे वन टू थ्री एंड वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो थ्री इज लेस देन फाइव. और इसका हम अदरवाइज भी कह सकते हैं, वी कैन से फाइव इज, अगर थ्री फाइव से छोटा है
दैट मीन्स 5 3 से बड़ा है तो 3 इज लेस देन 5 और वी कैन से 5 इज greater ग्रेटर देन 3 5 इज ग्रेटर देन 3 सो हाउ डू वी राइट दिस वी ऑलवेज द ओपन माउथ इज ऑलवेज टुवर्ड्स अ बिगर नंबर और इसको जब आप बनाओगे तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 ओके मीनिंग दोनों का सेम है वेदर वी से 3 5 से छोटा है या 5 3 से बड़ा है बोथ हैव द सेम मीनिंग बस अगर हमें ये बताना है इफ वी आर आस्क्ड कि विच नंबर इज स्मॉलर कौन सा नंबर स्मॉलर है देन व्हाट डू वी से देन वी से 3 इज लेस देन 5 ठीक है और इफ वी आर आस्क्ड टू से विच नंबर इज ग्रेटर कौन सा नंबर बड़ा है देन 5 इज ग्रेटर देन 3 ठीक है तब हम क्या बोलेंगे 5 जो है वो 3 से बड़ा है ओके अदरवाइज दोनों का मतलब सेम है whether we say 3 is less than 5 or we say 5 is greater than 3 both convey the same meaning दोनों का मतलब सेम है ओके सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ ठीक है नाउ राइट द फॉलोइंग यूजिंग सिंबल्स सम सेंटेंसेस आर गिवन सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमें इन सेंटेंसेस को सिंबल्स यूज करके लिखना है ओके जैसे ये है दिस इज सेंटेंस 3 इज लेस देन 5 दिस इज सेंटेंस एंड इसी सेंटेंस को हमने सिंबल में कैसे लिखा है 3 इज लेस देन 5 द सेम सेंटेंस इज रिटन यूजिंग सिंबल एज 3 इज लेस देन 5 और 5 इज ग्रेटर देन 3 दिस इज अ सेंटेंस एंड व्हेन वी राइट द सेम यूजिंग सिंबल देन 5 ग्रेटर देन 3 ओके क्लियर ये समझ में आ गया ना सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन जो सिंबल है इसका जो ओपन माउथ है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ग्रेटर नंबर ठीक है ये हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ रहेगा एंड जो पॉइंट होता है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द स्मॉलर नंबर सो इफ यू से विच नंबर इज स्मॉलर 3 इज स्मॉलर देन 5 तो ये वाला सिंबल लगाएंगे एंड इफ यू से 5 इज ग्रेटर देन 3 देन वी विल यूज दिस Now, let us start with the exercise. Write the following using symbols. जो अभी मैंने explain किया, this was explanation. ये copy में लिखना नहीं था, इसलिए मैंने इसको erase कर दिया. Okay? Now, write the FONNOWING following USING using SYMBOLS using symbols write the following using symbols ठीक है अभी जो भी sentences है इसे हमें symbols में लिखना है the first is 9 is greater than 7 NINP 9 is greater greater than SEVEN 7 9 is greater than 7 जैसे मैंने बताया द वर्ड इज ग्रेट GREAT ग्रेट ग्रेट मतलब बड़ा जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सुना है ना आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मतलब जो बहुत बड़ी ग्रेट इज समथिंग विच इज वेरी बिग सो ग्रेट इज अ वर्ड ग्रेट का मतलब है बड़ा उससे भी अगर कोई चीज बड़ी है दैट मीन्स व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स जब हम दो चीजों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हम टर्म यूज करते हैं वी यूज ग्रेटर ठीक है जब व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स देन वी यूज द टर्म ग्रेटर व्हेन वी आर कंपेयरिंग द साइज ऑफ टू थिंग्स देन वी यूज द टर्म ग्रेटर तब ग्रेट वर्ड में क्या ऐड हो जाता है ई आर ग्रेटर एंड जब हमें बताना है कि सबसे बड़ा क्या है कोई वर्ल्ड में सबसे बड़ी चीज है या एक ग्रुप में सबसे बड़ी चीज है या आउट ऑफ गिवन नंबर सबसे बड़ा नंबर है देन वी एड ईएसटी देन वी से ग्रेटेस्ट सो ग्रेटर इज यूज व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू नंबर्स यहाँ पे आप देखोगे ओनली टू नंबर्स आ गए इसके पहले भी जैसे हमने
टू एंड सिक्स का कंपेरिजन किया, वी कंपेयर थ्री एंड फाइव, तो इन सब में क्या है, देर आर टू नंबर्स, तो हियर ऑल्सो नाइन इज ग्रेटर देन सेवन, सो यू हैव टू राइट दिस सेंटेंस यूजिंग सिंबल. तो नाइन की जगह हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट द नंबर नाइन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये वाला है, तो नाइन इज ग्रेटर देन, एंड सेवन की जगह वी विल राइट द नंबर सेवन. सो नाइन इज ग्रेटर देन सेवन, दिस इज हाउ वी हैव टू राइट. ठीक है चिल्ड्रन, पेज नंबर 75 में है ये एक्सरसाइज. सो व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज प्लीज राइट क्लास वर्क. जैसे मैंने पहले भी कहा है, रोज बुक में मैं जो भी पेज पढ़ाती हूँ तो आप ऊपर क्लास वर्क लिखोगे, वेदर उस पेज पे कोई एक्सरसाइज है या नहीं है, आप क्लास वर्क ऊपर लिखोगे और उस दिन की डेट भी डालोगे, सो दैट यू नो कि ये किस दिन काम हुआ है ये वाला. ठीक है, नाइन इज ग्रेटर देन सेवन. Now next is 4 is less than 8. F-O-U-R, 4 is less than 8. Okay? So 4 ki jagah we will write number 4 and is less than. Is less than ki jagah we will use the symbol. So 4 is less than 8. 8 ki jagah again we will use the symbol. 4 is less than 8. Okay? Then next is 20 is greater than 18. T W E N T Y. 20 is G R E A T E R. Greater than E I G H T W E N. 18. Okay? The 20. Place of spelling number name we will write the number 20 and is greater than, is greater than ka symbol use karenge, 20 is greater than 18, 1 8. theek hai, 20 is greater than 18. Now children write these three, ye sentences to book mein already diye hain, you just have to write these जहां पे हमने सिंबल यूज करके लिखा है. सो राइट दिस, आफ्टर दिस थ्री मोर आर देयर, इसको आप लिखो. रिटन सबने लिख लिया, आप अपने आप भी लिख ही सकते हैं, आई एम श्योर, बट एनीवे चलो सबने लिख लिया. अभी इसको मैं इरेज करूं. नाउ नेक्स्ट थ्री पास्ट टेंस देयर, नेक्स्ट इज 46 इज ग्रेटर देन 36. एफ ओ आर टी वाई 46. नॉट दैट इजी. Greater than 36. So how do we write this? 46. 46 is the number name. 46 number name की जगह हम क्या लिखेंगे? We will write the number 46 and is greater than. In place of is greater than, we will use the symbol. 46 is greater than 36. ठीक है? 46 is greater than 36. Then 31 is less than 41. T H I R T Y. 31 is less than 41. 31 is less than 41. Okay. So in place of 31, we
will write the number 3131 is less than. So that means we will use the symbol is less than, and in place of 41 we will write the number 41. 31 is less than 41. Now write these two. One is still left. One is still there. ये टू आप लिख लो, फिर उसको मैं लिखती हूँ. ओके, आई एम श्योर चिल्ड्रन दिस यू कैन डू ऑन योर ओन ऑल्सो. ये सब आप अपने आप कर सकते हो, बट स्टिल एवरीवन हैज रिटन. इसको एरेज कर दो. 31 इज लेस देन 41, 46 इज ग्रेटर देन 36. नाउ लास्ट वन इज, लास्ट इज 29 इज लेस देन 33. TWENTY 29 is less than 33. 29 is less than 33. So in place of 29 we write the number 29 is less than. तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? We will use the symbol is less than 33. आप अगर काउंटिंग में देखोगे तो आप काउंटिंग में भी देखोगे कि 29 comes before 33. काउंटिंग में अगर आप देखोगे तो 29 जो है वो 33 से पहले आता है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द प्लेस होल्डर्स यूजिंग सिंबल्स. नंबर्स आर गिवेन, वी हैव टू fill in the placeholders using symbols. That we will not do today. इसे हम next class में करेंगे. I will just tell you how do we compare the numbers. Numbers को compare करने का rule क्या है. Now 29 is less than 33. Okay? अगर आप ऐसे counting में देखते हो तो counting में 29 33 से पहले आता है. Fine? अच्छा, now let us see in number 29. अगर हम 29 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो दैट मीन देर आर टू टेन्स एंड 9 वन्स. इन नंबर 29 देर आर टू टेन्स एंड 9 वन्स. ठीक है, इन नंबर 33 देर आर 3 टेन्स एंड लिखने की जरूरत नहीं है. 3 tens and 3 ones. Okay. Now tell me which number has more tens. Kis number mein tens zyada hai? 2 tens and 9 ones or 3 tens and 3 ones? Which number has more tens? Obviously, yahan pe 2 tens hai and yahan pe 3 tens hai. So 33 has more tens. Hai na? Number 33 has more tens. तो कौन सा नंबर बड़ा होगा? ऑब्वियसली जिस नंबर में ज्यादा टेंस होंगे. ठीक है ना, व्हेन वी कंपेयर टू नंबर्स, जब हम टू नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट वी कंपेयर द टेंस डिजिट. जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट होती है पहले हम उसको कंपेयर करते हैं. जिस नंबर में ज्यादा टेंस होंगे दैट नंबर इज ग्रेटर. जिस नंबर में ज्यादा टेंस होंगे ऑब्वियसली बात है कि वो नंबर बड़ा होगा. ठीक है, टू टेंस मतलब टू टाइम्स टेन, टेन प्लस टेन एंड थ्री टेंस में थ्री टाइम्स टेन, तो टेन प्लस टेन प्लस टेन. ऑब्वियसली दिस नंबर हैज मोर टेंस, सो द नंबर विच हैज मोर टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर. है ना, तो जब हम टू नंबर्स को कंपेयर करते द करेक्ट रूल, जो उसको किसी भी चीज को करने का एक प्रॉपर एक रूल होता है ना, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं बोलती हूँ कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. ठीक है, तो कंपैरिजन जब करना है तो वी ऑलवेज चेक द डिजिट एट टेंस प्लेस. जिस नंबर में टेंस प्लेस की डिजिट बड़ी है दैट नंबर इज ग्रेटर. बड़ी है का मतलब है कि दैट नंबर हैज मोर टेंस. जिस नंबर में भी टेंस प्लेस की डिजिट बड़ी है इसका मतलब है उसमें टेंस ज्यादा है, सो दैट नंबर इज ग्रेटर. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ग्रेटर देन एंड लेस देन, हाफ ऑफ द एक्सरसाइज वी हैव डन टुडे.
half of the exercise we will do in the next class. Okay, so that is all for the day, children. Thank you so much.